इंडिया एग्रीड टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम माले सेज मुइजू आफ्टर मीटिंग मोदी। तो मोदी जी से मिलने के बाद इसने साफ बोला कि भाई इंडिया ने एग्री कर लिया है कि माले जो आपके मालदीव्स का कैपिटल है वहाँ से अपने ट्रूप्स को निकाल लेंगे। इंडिया इज एग्रीड टू रिक्वेस्ट बाय द मालदीव्स गवर्नमेंट टू विदड्रॉ अबाउट 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल स्टेशन ऑन द आईलैंड टू वर्क ऑन ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन। मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू क्लेम्ड ऑन संडे। द स्टेटमेंट केम्स टू डे आफ्टर द After he met Prime Minister Narendra Modi on the sideline of COP28 climate summit in Dubai. The move raised by Muizu during his India Out election campaign will come as a disappointment for New Delhi, which has been urging the Maldives to look at the utility of Indian personnels on the island nation in proper perspective. The Indian government has assured the people of Maldives that it will respect their decision regarding the withdrawal of Indian troops from Maldives. The Maldives President Office wrote in tweet quoting Mr. Muizu press conference earlier this day. Government sources countered Mr. Muizu claims, says talks were still ongoing and the core group announced after the Modi Muizu meet will look into all aspects of whether the 75 Indian naval personnel should stay or not. MES Island. The Ministry of External Affairs did not comment on the development. However, sources said that the issue of India's personnel that work on humanitarian assistance and disaster relief program was briefly discussed when the leader met in Dubai. Significantly, the issue has not been mentioned directly in readouts issued by the government. At the end of talk between Mr. Modi and Mr. Muizu on Friday, Mr. Muizu's statement on Sunday indicates, however, that he is not willing to budge on this demand. The Indian personal issue has been a continuous one since Mr. Muizu won presidential election in October, ousting former president Ibu Soli, who was seen as more India friendly. तो आप देखिए इसमें हमें देखना क्या, कुछ नहीं देखना है। इंडिया है यहाँ पे, श्रीलंका यहाँ पे, अपना लक्षद्वीप और यहाँ पे आपका मालदीव्स है, ठीक है। मालदीव्स ये आपका न्यू दिल्ली और ये आपका माले। यहीं पे मोहम्मद मुइजू, ठीक है। ये इसका कैंपेन ही था इंडिया आउट, ठीक है। इसका कैंपेन था इलेक्शन में, चाहता था 75 नेवल पर्सनल्स जो है, नेवल पर्सनल्स मतलब आर्मी मैन जो वहाँ पे स्टे है उन लोगों का, इंडियन से ये लोग। और किस लिए हैं ये लोग, ये लोग यहाँ पे रिलीफ के लिए, डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। सेकंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद से आप देखिए एक और क्या था इनको, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इसके लिए इन्होंने, इनका शुरू से ये था निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा एंटी इंडिया है और प्रो चाइना है, ये इंडियन ओशन में है, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना ये स्टांस, इसके वजह से इंडिया को बार बार ये बोल रहे, तो इंडिया हाँ रिस्पेक्ट करेगा। इंडिया का ऐसा पॉलिसी नहीं है कि दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट ना करे, तो इंडिया निकाल तो लेगा वहाँ से पर्सनल, पर हाँ अगर चाइना के ट्रूप्स को वो लेकर आएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा वहाँ पे कंसर्न है। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, कंसर्न कब होगा, कंसर्न इफ चाइनीज ट्रूप्स आर अलाउड, अगर चाइनीज ट्रूप्स अलाउड होते हैं तभी कंसर्न होगा, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही दूर है फट से पहुँच जाएंगे हम उनकी हेल्प करने, अच्छे से हेल्प करेंगे, समझ रहे हो। तो ठीक है, चलो वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।